Assalamualaikum guys, hope you people are doing well. Welcome back to my channel Cook with Husseini. If you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel and hit the bell icon for next video notification. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैरी की चटनी की रेसिपी. स्पेशली हैदराबाद में चटनी और अचार को सभी लोग शौक से खाते हैं. अचार और चटनी के सभी लोग शौकीन होते हैं. मैंने दो कैरी ली है चटनी बनाने. सबसे पहले आप कैरी को खोपरी की तरह घस के रखिए. ये देखिए हमने इसे घस लिया है. हमें चाहिए 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 8 to 9 गार्लिक क्लव्स, 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून मेथी, 1/2 टीस्पून राया, 4 रेड चिल्लीज. अब मैंने कढ़ाई में ऐड किया है 1/2 कप ऑयल. ऑयल को आप ज़्यादा गर्म होने मत दीजिए, इसे नॉर्मल ही गर्म होने दीजिए. ऑयल लाइट गर्म होने के बाद आप उसमें ऐड करिए गार्लिक क्लव्स. गार्लिक क्लव्स को आप अच्छे से रेड होने तक फ्राई करिए. रेड होने से गार्लिक क्लव्स एकदम क्रिस्पी होते हैं. फिर उसमें ऐड करिए राया और ज़ीरा. राया और ज़ीरा ऐड करने के बाद भी आप इसे अच्छे से फ्राई करिए. ज़ीरा, राया और गार्लिक क्लव्स को आप अच्छे से रेड होने दीजिए. फिर उसमें ऐड करिए रेड चिल्लीज और मेथी और इसे अच्छे से स्टर करिए. रेड चिल्लीज को आप थोड़ी देर में ही ऑयल में से निकाल लीजिए, वरना रेड चिल्लीज जल जाएंगे. रेड चिल्लीज निकालने के बाद आप उसमें ऐड करिए 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट. फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए. फिर गैस ऑफ कर दीजिए. फिर उसमें ऐड करिए 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर. फिर उसमें ऐड करिए 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर. फिर उसमें ऐड करिए 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर. फिर उसे अच्छे से मिक्स करिए. फिर उसमें ऐड करिए रेड चिल्लीज जो हमने अभी निकाल के साइड में रखे थे. फिर उसमें ऐड करिए 1 टीस्पून सॉल्ट. सॉल्ट आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए. ऑयल ठंडा होने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे घिसी हुई कैरी. आप ऑयल ठंडा होने के बाद ही इसमें कैरी ऐड करिए. अगर आप गर्म ऑयल में इसे ऐड करेंगे तो चटनी ख़राब हो जाएगी. उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप चेक कर लीजिए. अगर आपको नमक कम लगे तो आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और सॉल्ट डाल लीजिए. दोस्तों, खट्टी कैरी की चटनी एकदम तड़का लगाने के बाद लाजवाब लग रही है. कैरियों के दिनों में कैरी की चटनी ना खाई तो फिर क्या खाया. कैरी की चटनी को आप गरम गरम खाने के साथ खाइए, इसका टेस्ट एकदम मज़ेदार आएगा. आप इस कैरी की चटनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसी लगी ये रेसिपी. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. इससे मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती रहूँगी. तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए दोस्तों. अल्लाह हाफिज़ गाइज़.